तू सारे नु मार कट के वापस आ जी बस। कोई फिक्र ना कर जानी, ते तिरंगा लहरा कर आऊं, नहीं तो उसमें लिपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल कलेक्शन टेक में। आज हम बात करेंगे शेरशाह फिल्म के बारे में और आपको बताएंगे शेरशाह फिल्म ने अपने दो दिनों में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कितने करोड़ रुपए की कमाई की और यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिट हुई या फ्लॉप। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताएं, शेरशाह फिल्म में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ कियारा आडवाणी लीड रोल में दिखाई दी थी। वहीं शेरशाह फिल्म का बजट था 50 करोड़ रुपए, लेकिन इस फिल्म को पब्लिक और क्रिटिक्स ने काफी ज्यादा पसंद किया और रियल स्टोरी पर बेस्ड होने की वजह से शेरशाह फिल्म को भी पब्लिक और क्रिटिक्स ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया और लगभग 4.5 स्टार रिव्यू दिया, जिस वजह से फिल्म के वर्ड ऑफ माउथ में काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली और शेरशाह फिल्म ने अपने पहले दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 14 करोड़ 10 लाख रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग की। लेकिन अगर फिल्म के दूसरे दिन के यानी आज के कलेक्शन की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के दूसरे दिन के आज के कलेक्शन में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फिल्म अपने दूसरे दिन यानी आज लगभग 18 करोड़ 33 लाख रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर रही, जिससे शेरशाह फिल्म का दो दिनों का टोटल ओटीटी कलेक्शन 32 करोड़ 43 लाख रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों, शेरशाह फिल्म सिर्फ अपने दो ही दिनों में लगभग अपने 70% के बजट को रिकवर कर लेगी और हो सकता है यह फिल्म आज और कल में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपने 50 करोड़ रुपए के बजट को भी रिकवर कर ले, जिस वजह से यह फिल्म जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिट हो जाएगी। लेकिन यह देखना काफी दिलचस्प होगा आखिर फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना रहता है, 100 करोड़ या 200 करोड़। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है शेरशाह फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना रहेगा और आप शेरशाह फिल्म को हिट कहोगे, सुपर हिट कहोगे, ब्लॉकबस्टर कहोगे या कहोगे फ्लॉप, आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताओ। हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे स्टूडियो को लाइक करें और जाते जाते आपके और हमारे चैनल कलेक्शन टेक को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट वर्जन इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट मिलती रहेगी सबसे पहले।